वेरी गुड मॉर्निंग. और एक सेकेंड थोड़ा बैक बैक पेन. ऑलराइट, दिस इज द थिंग. आई हैव कम टू नतानी टावर एंड दोसे घर पर आया हूँ आज. और 15th फ्लोर पर रहता है. इट्स लाइक हम बहुत सही जगह पर जाने वाले. और दूसरी बात ये कि दोस्त कौन है उसे भी इंट्रोड्यूस करा था. आई गेस सो इज टेकिंग योर बार ऑफ समथिंग दैट इज रीजनली कॉल मी एट दिस प्लेस. तो जाके मिलते आप. और पीपल, तो आ गया हम दूसरे घर पे और ही इज टेकिंग अ बाथ एज यूजुअल लेट. और दूसरी बात ये थी, मुझे बताना ये था कि मैं भी बस ऊपर आ ही रहा था तो मुझे एक वॉचमैन ने कहा है कि आप यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है. दैट वाज अ रीज़न. तो मैंने बोला कि यही क्या रीज़न हो सकता है कि एक ब्लॉगर से उनको तकलीफ. मैं तो एक यूट्यूब पे जा रहा हूँ. इट्स नॉट एनी डिफरेंट मिनिस्ट्री या कुछ ऐसा काम हो जो हमें एकदम छुपा के रखना हो. एज एन ऐसा तो कुछ नहीं है. तो मैं ठीक है, मैं बोल के मैं ऊपर आ गया. एंड राइट नाउ हम दोनों कहीं जाने वाले हैं. कुछ प्लानिंग्स चल रही है हम दोनों के बीच में. तो जो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था मैंने कि हम लोग राइड का प्लान कर रहे हैं. सो या वो सब प्लानिंग में वो सब काम चल रहे हैं. मेरी बाइक्स में भी दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ऐड एवरी थिंग ऑन माई बाइक बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टूट जाती है, कुछ कुछ चीज़ें इट्स सस्टेनेबल. तो दोनों चीज़ को सोच के वो करना पड़ता है. आई एम थिंकिंग कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी विच विल मेक माई बाइक अ बिट मोर स्पेशल वेल आई विल बी राइडिंग. तो हाँ, एक वो एक चीज़ है जो मेरे को कंसनट्रेट करना है उस चीज़ों पर. तो अभी फ़िलहाल एक जगह बहुत ही बेहतरीन जगह है लोअर परेल में. आई एक्सप्लेन वेर इट इज़ व्हाट इट इज़ थोड़ी देर में. तो देखो पीपल, जो खास आदमी था वो मेरे साथ खड़ा है, श्रेयस. ही इज़ माई स्कूल फ्रेंड बाय द वे. ही इज़ अ वेरी बहुत जो बोलते हैं ना बचपन की दोस्ती होती है, जो स्कूल के 10 साल काटे हैं उनमें का ही एक मेरा दोस्त है. और अभी फ़िलहाल जो राइडिंग प्लान्स बना रहा हूँ उसमें ये भी इंक्लूड होने वाला है. तो आफ्टर दैट जितने भी मेरे राइडिंग प्लान्स हो गए होपफुली आना चाहिए मेरे साथ. ही इज़ बिट स्केयर टू राइड बाइक्स बट ही डू राइडिंग एज वेल. तो दोनों तरफ एक वो होता है ना क्रिस क्रॉस सिचुएशन, वैसी सिचुएशन है. बट यूजुअली व्हेन ही वुड राइड विथ मी इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. और जो जगह जा रहे हैं फिलहाल माइक में बताता हूँ, कैमरा सब चीज़ यहीं पर नहीं बता सकते, समझ रहे हैं. और राइट पीपल, तो ट्रैफिक में अटक चुके हैं ये. फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्रभा देवी. और बात ये है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है क्योंकि आज गणपति का आगमन है और उसी वजह से ये जो दीपक टॉकीज या कोई तो एरिया, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस एरिया, बट ये प्रभा देवी और लालबाग के बीच में है ये एरिया. तो ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक हो चुका है और हमें जाना लोअर परेल. मेरे सब पीछे सूरज बैठा है और हम वहाँ जा रहे हैं. एक बाइकर्स शॉप है, वहाँ पर से सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं बाइकिंग के. और ये श्रेयस का इन्फ्लुएंस वाला बंदा है तो मैं इसीलिए ट्रस्ट करके जा रहा हूँ बिकॉज आई यूजुअली हैव एन नंबर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम एन नंबर ऑफ बाइक शॉप्स बट मैं कभी जाता नहीं हूँ क्योंकि आई डोंट नो दैट कुछ भी हो सकता है, यू नो. जो चीज़ उतने में हो ना हो उसको उतने में बेच रहे हो, उससे ज़्यादा में बेच रहे हो तो मुझे ये पसंद नहीं है. आई फील कि वो चीज़ रिलायबल हो और उसका अमाउंट उस चीज़ के बराबर हो. और ये सब पूरा जो है गणेश चतुर्थी के लिए सब पूरा बनाते हैं. ये बहुत ही बेहतरीन इंडियन फेस्टिवल्स आर वे अमेजिंग. एवरी ईयर देर आर एन नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स. एक अलग सी बात है इस देश में रहने की जो आई डोंट नो कोई और देश में मिलेगी आपको. बट या ये हमारा, ये मेरा इंडिया है. दैट्स मैं एकदम आई कैन से इट प्राउडली, दैट्स ऑल आई कैन से. तो वो सब बात एक तरफ. और दूसरी तरफ ये बात थी मेरी कि ये लॉ पर कोई दुकान है, उनके मैंने पेजेस भी देखा, बहुत अच्छे पेज है. लिंक मैं शायद से सोच रहा हूँ डाल दूँ, शायद से वही लिंक है इंस्टाग्राम का या कोई और लिंक, आई डोंट नो, वही होगा शायद से मुझे ऐसा लगता है. या उनके कोई अगर दुकान का एड्रेस मिलता हो तो आई विल शो इट टू यू. इफ यू गाइस वांट टू गो यू कैन एज़ वेल. और पीपल, हियर विद द लोकेशन. और बहुत ही बेहतरीन दुकान है. ये दुकान का नाम शायद से 46 बाइकर्स है दुकान का नाम. और आए अंदर जाके देखते क्या है. वैसे तो मैं कुछ प्लान आउट करके आया हूँ कि मुझे क्या लेना है.
तो श्रेयस भी मुझे बता रहा था कि भाई कैसी चीज़ जो मिलती है यहाँ पर, कैसे कैसे होती है। अच्छा यार एक बार जाके देखते तो है कैसा है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। ऑलराइट, तो दुकान के अंदर है और श्रेयस नी गाइड ट्राई कर रहे हैं। तो जो मेरे पास जो है K12 स्कोइसो या स्कोइसो, मीन ब्रांड का नाम याद नहीं आता है निकाल, आई मीन आई कॉन्ट प्रनाउंस दैट नेम, बट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ वे अमेजिंग। उसको भी वही पसंद आया, बट इज अ बिट कन्फ्यूज विथ एल्पाइन स्टार। ये जो है ये एल्पाइन स्टार का है एंड ये सेम ब्रांड है जो मैंने लिया था, मेरे पास जो है वाइट कलर में, एंड ही लव दिस कलर द येलो वन। सो इज़ लाइक आई एम बिट कन्फ्यूज, वॉट शुड आई टेक, आई शुड गो फॉर द एल्पाइन स्टार और सो शुड। उसको कम्फर्टेबल वही लग रहा है, बट होता है ना थोड़ा कन्फ्यूजन, दैट्स द थिंग। सो टाइम टू डिस्कस विद द मैनेजर ऑफ दिस प्लेस, और पता चला है बहुत ज़्यादा वराइटीज, बहुत सारा रेंज, बहुत सारे ब्रांड्स इस दुकान में मुझे देखने मिला है। एंड इट्स बीन एजेस मैंने ये सारे ब्रांड्स मेरे एरिया के अलावा मैंने कहीं देखा हो। होपफुली आई हैव सीन दैट थिंग आई गेस सो इन कुरला और अंधेरी आई गेस सो, या इन अंधेरी, उसके बाद तो मुझे कभी दिखाई नहीं। सो भाई आपका नाम? यस राहुल। राहुल है ये और यही यहाँ के ओनर है। तो आप सर बता सकते हो आपके पास रेंज कितनी है इस जितने भी हेलमेट्स की हो? अपने पास 900 से लेकर 12,000 तक रेंज है। यूजुअली अपने पास SMK एक्सोर है, LS2 है, स्टड्स है, वेगा है, स्टिलवर्ड है, ये सारे ब्रांड है अपने पास, सब OG मिलेगा आपको। तो पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए भी तो आपका एक कार्ड हो तो मुझे। यस, कार्ड भी है और प्लस आप मेरे गूगल्स पे जाके RS46 बाइकर्स भी डाल सकते हो मेरे रिव्यूज, और आप सब ये कर सकते हो इंस्टा का पेज भी अपना। तो मतलब प्रॉपरली पूरी चीज़ें, हर चीज़ जो है आपको एक सही भाव और रेंज में, और थोड़ा डिस्काउंट भी हो तो? यस यस यस, हो जाएगा पक्का। तो आप सामने ही देख सकते हो, बंदा भी वही खड़ा है, बात भी वही है। और अगर आपको हेलमेट्स के अलावा भी अगर कोई और चीज़ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये बाय द वे लोअर परेल के पास 46 वगैरह भी मॉडिफाई करना है तो ऐसे मॉडिफाइज वगैरह भी करके देख सकते हो। तो ये मॉडिफाइड हेलमेट्स है, अगर सिनेमैटिक शॉट चाहिए तो दे देता हूँ बाद में बस। और मैं भी कुछ चीज लेने आया हूँ तो वही देख रहा हूँ, देखते हैं। चीज़ लिए एक श्रेयस ने, ये एल्पाइन स्टार का नी गार्ड लिया हुआ है, और दूसरी ये मैंने एक मोबाइल लोकेटर जो होता है, बताता हूँ कैसा है ये, वो लिया हूँ और बहुत ही अच्छा प्राइस मिला है। आई डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। और फिलहाल कहीं जाते देखते घूमने के लिए, बिकॉज इट्स गेटिंग लिटिल बिट लेट। और लाइट की जो चीज़ें थी वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, आई थिंक आई हैव टू गो टू कुरला, उन्होंने मुझे बताया राहुल भाई ने। ऑल राइट पीपल, टाइम टू से गुड बाय टू माई बिलव फ्रेंड, वो जा रहा है कहीं दूसरे काम से। और ली चीज़ ये है एल्पाइन स्टार का जो मेरे को जला रहा है, एल्पाइन स्टार का ली चुका है, बिकॉज आई हैव स्कोर्सियो एंड ही हैज़ एल्पाइन स्टार। अच्छी क्वालिटी है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है। एंड राइड्स के भी प्लान जो बताया था मैं, वो भी चलने वाले हैं, वो भी डिस्कस हो रहे हैं हम दोनों में और आशीष के साथ। सो वी थ्री आर कनेक्टेड एवरीवेयर राइट नाउ, वी आर थिंकिंग टू जस्ट इमिटेड आर सेल्फ और जल्दी जल्दी ये प्लान बन जाए, वही सोच रहे हैं। और दो चीज़ की यहाँ पर अड़चन आ रही है, एक हम लोग का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है और दूसरा रोड्स, आई डोंट नो हाउ द रोड्स आर ओवर देयर, बट मैं आशीष से कन्फर्म करके वो रोड्स भी का कर लेंगे ऊपर नीचे। तो प्लान जो है वो लोकेशन थोड़ा रखा हो, सीक्रेट है, थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा जहाँ पर भी हम जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं, कैमरा के लिए करना पड़ता है। थोड़ा आके मैं फ्रेशन अप हो गया, थोड़ा फेस वॉश कर लिया, क्योंकि जब आप बाहर से जाओ और आओ तो आपके फेस पे डस्ट, मड और गंग बहुत सारा हो जाता है। सो आई यूज़ फेस वॉश फॉर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ, सो इट्स निविया का फेस वॉश, निविया मेंस। एक मिनट बोलिए क्या है,
ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हाँ जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बताना ज़रूरी है, बिकॉज या इट इज़ रिक्वायर्ड वाइल यू राइड, वाइल यू गो आउटसाइड और कैसे कोई भी जगह पर जाना हो, तो यू नो मैं डेली यूजेज के लिए मैं ये फॉर मीटिंग्स एंड एनीथिंग लाइक दैट तो मैं ये यूज़ करता हूँ, कहीं मुझे किसी से मिलना हो तो आई यूज़ दिस एवरी डे। एंड इन द मॉर्निंग मैं सुबह उठ के पहले इससे फेस वॉश करता हूँ क्लीन एंड क्लियर। यू नो बहुत सारे मार्केट में फेस वॉश है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपकी स्किन को सूट करे, तो चेक कर सकते हो आप, आई गिव इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज टू फेस वॉशेज एज वेल। और जो चीज़ मैंने लाया हूँ वो देख लो, ये वैसे आपको पता तो चल क्या होगा कि क्या है, दिस इज अ थिंग विच आई विल बी पुटिंग आउट इन माई मिरर, तो ये कनेक्ट होके मेरे सामने मिरर कैसा आएगा बताऊँगा कि कैसा होगा, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ, और मैं इसके लिए एक चार्जिंग का स्लॉट कहीं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्जर एक जो मेरे पास पहले है एक जो लगा हुआ वैसा ही एक चार्जर मैं अटैच करूँगा, तो दोनों तरफ से दोनों चार्जिंग हो जाएगी और इजी है वो मेरे लिए यूज़ करना, रादर दैन यूजिंग द चार्जर वाला मैप लोकेटर जो कुछ काम करने होता है। तो अनबॉक्स करते हैं, तो दिस इज़ द बॉक्स, और ये मुझे रीजनेबल प्राइस में मिला है, दिस इज़ फॉर 350 और समथिंग दैट, और बहुत ही अच्छा प्राइस है आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बाकी सारी जगह पर जाओ तो आपको बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ ये दो चीज़ है, ये जिसमें ये ऐसा अटैच होगा, तो खोल के दिखाता हूँ, और सो दिस इज़ लाइक दिस, तो इसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, सीधा आगे पीछे ऐसे कैसे भी मोड कर सकते हो, इट्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू डू इट। एंड ये जिसमें मेरा मोबाइल, जो ये मोबाइल है वो इसमें, आई एम थिंकिंग टू पुट माय अनदर मोबाइल जो मेरे पास है वो इसमें डालने की सोचूंगा, इसकी बैटरीज का इशू है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं यार हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो अटैच करके देख रहा हूँ मैं भी पहली बार अटैच कर रहा हूँ शायद 15-20 मिनट लगे खाली एक ये अटैच करने के लिए, तो अटलास्ट ये अटैच हो गया, उसको बहुत ज़ोर से स्लाइड करा था, मैंने फ़ोन लगाया राहुल भाई को तो उन्होंने बताया, तो हाँ तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक सो इट्स नॉट दैट, मतलब जो यूज़ करने के लिए जो चीज़ होती है ये उनमें से एक है, आई आर बी राइडिंग सो आई नीड GPS, तो इसलिए मैंने ये चीज़ खरीदा, एक वाटर प्रूफ का एक ये एक एडवांटेज है, तो बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। या दैट्स ऑल इट फॉर द डे, और बाकी सब ठीक चल रहा है, राइड के भी कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं, कई बातें करनी है आप लोगों के साथ, बट द थिंग इज प्लान्स अभी तक पूरे सक्सेसफुली डिसाइड नहीं हुए कि हाँ हम ये एक लोकेशन पकड़ेंगे, सो लोकेशन डिसाइड मैं करता हूँ, जो होटल बुकिंग है मेरा दोस्त आशीष करता है, मेरे जो बाकी सारे एक्सेसरीज इफ़ आई वांट टू बाय एवरीथिंग वो मेरा जो दोस्त आपको बताया श्रेष, तो ये सब एक कनेक्टेड हम लोग एक रूम में हो गए हैं, और मेरे एक रूम में एक बंदा दो बंदे बढ़ने वाले हैं, और दो मतलब श्रेष को मिला के और एक, तो हाँ तो एज इन उनको लेके जाके मुझे ये भी चेक करना है कि हाउ आर देयर कैपेबिलिटीज़ व्हाइल दे राइड ऑन द लॉन्ग रूट्स, तो एक वो होता है एक कनेक्शन बनता है, तो वही हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उनको अपने साथ ये राइड पे लेके जाने के लिए, और बाकी सब ठीक है, जब तक प्लान बनता है तब तक तो मैं थोड़ा व्लॉग्स नहीं आएंगे, बट दिस इज़ एन अपडेट फॉर यू गाइस दैट येस आई एम एक्टिव इन दिस प्लेटफॉर्म, और मेरे वीडियोस आते रहेंगे, जो मैंने वादा किया था वो वादे पर रहूँगा, कंसिस्टेंसी वाले वादे पर, तो या दैट वॉज ऑल इट फॉर द डे, इफ़ यू लव माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप, बहुत हेक्टिक डे रह गया आई नो, बट या एज ऑलवेज डीम बेक क्रिएटिव मेकनिज्म ऑलवेज मीडियस सो एंड ब्लॉग।